आज फिर BTC के ऊपर चर्चा करूंगा। BTC करंट प्राइस 40,496 अभी चल रहा है। अभी हम क्या पोजीशन इसमें इनिशिएट कर सकते हैं, बाय साइड या फिर सेल साइड, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और कौन सी स्ट्रेटजी को बेस करके हमें ट्रेड लेना है उस स्ट्रेटजी के ऊपर चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पर मार्क करके दिखाता हूँ आप सबको। देखिए यहाँ से अगर मैं इसको मार्क करूँ, ठीक है, प्रीवियस डाटा के ऊपर बेस करके सपोर्ट लेवल को फाइंड आउट किया, फर्स्ट सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, हाँ फोर्थ सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक किया है नीचे की तरफ। पर हमें जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल पैटर्न मिला। क्या मिला दोस्तों? रेक्टेंगल पैटर्न मिला। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें रेक्टेंगल पैटर्न इस तरीके से मिला है। हम इसे मार्क करते हैं, तो रेक्टेंगल पैटर्न मिल गया। अब हम ट्रेड किस तरीके से करेंगे, ट्रेड लेने का तरीका क्या रहेगा? फिलहाल तो मैं आप लोगों को ये जानकारी देने चाहूँगा, VTC अप ट्रेंड में होते हुए अभी साइडवे में है, क्योंकि जितना ज़्यादा उछाल आना था उसमें आ चुका है। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 बार सपोर्ट लेने के बाद फाइनली इस सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया। इसको मैं और एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, इसको और मैं एक्सटेंड करता हूँ। तो देखिए तोड़ दिया, तोड़ने के बाद यहाँ पर हमें रेंज बाउंड मिला, जो रेक्टेंगल पैटर्न हमें मिला। अब ट्रेड किस तरीके से लेना है, ट्रेड लेने का जो तरीका रहेगा, ये सी स्ट्रेटजी दोस्तों मार्केट में हमेशा वर्क करती है, बहुत ही प्रॉफिटेबल पैटर्न है। मैं ज़्यादातर पैटर्न के ऊपर बेस करके ट्रेड करता हूँ। अभी देखिए ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम अगर हम देखें तो जब से ये रेंज बाउंड में आया, तो ये देखिए वॉल्यूम बहुत ही छोटे वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। यानी बायर्स और सेलर जो है अभी दुविधा में है, कन्फ्यूज है कि अभी बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे। ठीक है, बायर्स बाय करना नहीं चाहता और सेलर सेल करना नहीं चाहता, जिसके कारण अभी ये रेंज बाउंड में चल रहा है। और रेंज बाउंड माने का रीज़न ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया था। देखिए बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया था, डाउनफॉल आने के बाद फिर ये ब्रेकआउट हुआ। और ये जो ब्रेकआउट दोस्तों, ये जो अपट्रेंड रैली हमने देखा, ये अपट्रेंड रैली देखिए, फिर से मैं इसको खींचता हूँ, तो ये देखो, ठीक है, इस लेवल को देखिए, इस रेजिस्टेंस लेवल को देखो, इस रेजिस्टेंस लेवल को अगर हम मार्क करें तो इसको देखो, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ ताकि अच्छा आइडिया मिले, ये देखो। और इसको मैं इलिप्स करता हूँ, ये लो, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल। और ये जो रेजिस्टेंस लेवल था दोस्तों 22 अप्रैल का 9:07:15 का रेजिस्टेंस लेवल, और उसी लेवल के बाद काफ़ी गिरा था। काफ़ी गिरने के बाद यहाँ पर हमें एक बहुत ज़्यादा अप मूवमेंट देखने को मिला, ट्रेंड बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंड में देखने को मिला। लेकिन फाइनली क्या हुआ, उसी रेजिस्टेंस के पास आने के बाद क्या हुआ, थोड़ा बहुत इसको ब्रेकआउट तो किया है, ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, ब्रेकआउट तो क्या है, लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया। 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल ब्रेकआउट का सस्टेन किया नहीं, 4 कैंडल ब्रेकआउट का सस्टेन किया नहीं, और उसके बाद उसी रेजिस्टेंस लेवल को रेस्पेक्ट करते हुए रेंज बाउंड में है। अभी क्या होगा, या तो अभी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि बिटकॉइन जो है कंसोलिडेशन पे है, रेंज बाउंड में है। अभी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने नीचे प्रॉफिट बुक बाय किया, सबको अभी प्रॉफिट बुक करना है, तो प्रॉफिट बुक कर रहा है, लेकिन फिर ना ये फ्रेश बायर घुस रहा है, फिर सेलर भी घुस रहे हैं, लेकिन एक ही रेंज में ट्रेड हो रहा है। अभी ना ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। एक बार लॉजिक को समझिए, चार्ट के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश कीजिए। अभी देखिए ना, अभी ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे जा सकता है। हम तो हमेशा ट्रेड करेंगे अबव द बाय बिलो द सेल। तो जैसे ये स्टॉक इस तरीके से ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद एक कैंडल क्लोज होगा, क्लोज होने के बाद दोबारा इस लेवल को टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद इसी इस तरीके से ब्रेकआउट होगा और इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा। ये प्रीवियस जहाँ पर कैंडल क्लोज होगा, क्लोज होने के बाद जब गिरेगा, गिरने के बाद जो यहाँ पर हाई क्रिएट हुआ, उस हाई को अगर ब्रेकआउट करते हैं तो क्या करेंगे, हम बाय करेंगे इस लेवल के ऊपर। ठीक है, यह है फर्स्ट वे। अब सेकेंड वे है बाय करने का, कि जैसे ये ब्रेकआउट करते हैं, करने के बाद अगर ये कैंडल क्लोज होता है, क्लोजिंग पॉइंट, बाय कर सकते हैं। थर्ड वे, अगर ये गिरते हैं और यहाँ पर टेस्ट करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी हम बाय कर सकते हैं। तो तीन तरीके से हम बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अब सेल किस तरीके से करेंगे, अगर ये नीचे गिरता है तो सेल कैसे करेंगे? अब देखिए, अगर सपोर्ट लेवल को तोड़ते तो किस तरीके से ट्रेड करेंगे? अगर सपोर्ट लेवल को तोड़ते तो इस तरीके से तोड़ेगा, तोड़ने के बाद जब कैंडल क्लोज होगा तो क्लोजिंग में हम बाय कर सकते, सेल कर सकते हैं, फर्स्ट वे। सेकेंड वे ये है कि जैसे ही इस लेवल को दोबारा टेस्ट करेगा तब हम सेल कर सकते हैं, सेकेंड वे। थर्ड वे क्या है सेल करने का? थर्ड वे हम सेल करेंगे जैसे ही ये इस तरीके से नीचे गिरेगा
और प्रीवियस जो लो है इसको ब्रेक करेगा तब हम सेल करेंगे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे दोस्तों, तब हम सेल करेंगे, चलो इस जगह पे हम सेल करेंगे। तो तीन तरीके से हम सेलिंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो बाइंग लेवल तीन तरीके से हम बाई कर सकते हैं, तो तीनों लेवल हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। पहला तो ये ब्रेकआउट करेगा, करने के बाद जब कैंडल क्लोज होगा तब हम बाई करेंगे। तो कैंडल अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं ना क्लोज़ हुआ, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कुछ हद तक अगर हम आइडिया ले तो ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा टेस्ट करेगा। तो टेस्ट प्राइस क्या है, 40645 बाई 40645, ठीक है। अगर टेस्ट करता है दोस्तों, ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल क्लोज होता है, दोबारा टेस्ट करते हैं तो हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी दो तरीका क्या है, जब कैंडल क्लोज होगा तब हम बाय करेंगे, लेकिन कैंडल जब क्लोज होगा, अभी हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया आप लोगों को किस तरीके से हम बाय करेंगे। अभी कैंडल इस जगह पे भी क्लोज हो सकता है, थोड़ा सा नीचे भी क्लोज हो सकता है, ब्रेकआउट कैंडल थोड़ा सा और ऊपर क्लोज हो सकता है, जहाँ पर क्लोज होगा उसको ब्रेकआउट करके तो बाय करेंगे, ठीक है, या फिर ब्रेकआउट में ही बाय करेंगे। तो चलिए एक हमने कम से कम एक लेवल निकाल के रखा, और अगर हम सेल करते हैं तो जैसे ब्रेकआउट करेगा तो कैंडल यहाँ पर भी क्लोज हो सकता है और भी नीचे क्लोज हो सकता है, जहाँ पर क्लोज होगा वहाँ पर हम ट्रेड करेंगे, या फिर जब टेस्ट रीटेस्ट करेगा तब हम करेंगे, या फिर ब्रेकआउट में ही हम ट्रेड करेंगे। तो अगर टेस्ट करते हैं दोस्तों दोबारा, तो वो लेवल रहेगा 40375, तो सेल सेल 40345, फिर से देखते हैं 40345, ओके, थोड़ा सा प्रॉपर 40390, ओके, ये हमारा लेवल अब तक का जिसमें हम ट्रेड करेंगे। बाकी जब कैंडल, देखिए ब्रेकआउट करने के बाद टेस्ट करेगा तो ये टेस्टिंग लेवल रीटेस्ट, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करेगा तो रीटेस्ट लेवल, इसमें हम बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और बाकी दो जो तरीका है, जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगा तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए हमने मार्क करके रखा। इससे पहले जो हमने स्ट्रेटजी बताया, सेम तरीके से हम बाई या सेल करेंगे, लेकिन पैटर्न अलग है, ओके। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन रेक्टेंगल पैटर्न की जो लोअर लेवल है, लोअर लेवल को तोड़ दिया, कब, देखिए एक बार मैं जूम करके दिखाता हूँ। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल और अभी फोर्थ कैंडल चल रहा है, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार हम सेल कब करेंगे दोस्तों, तीन तरीके से। फर्स्ट वे ये है कि बियरिश कैंडल रेक्टेंगल पैटर्न के नीचे क्लोज होना जरूरी है, क्लोजिंग में हम सेल करेंगे। तो जैसे कि क्लोज हो चुका है हम सेल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये कैंडल। अगर हम फर्स्ट वे को देखें तो अपना सेलिंग पोजीशन बन चुका है 40390 और अभी 40359, अर्थात लगभग हमें यहाँ पर 30 पॉइंट प्रॉफिट में है, ठीक है, अगर हम फर्स्ट वे में सेल से ट्रेड करते हैं तो। अभी हमें स्टॉप लॉस और टारगेट फाइंड करना है। स्टॉप लॉस और टारगेट हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखिए स्टॉप लॉस फाइंड करने का तरीका ये है कि रेंज बाउंड ब्रेकआउट में हम ट्रेड करेंगे बाय साइड, रेंज बाउंड ब्रेकआउट में ट्रेड करेंगे हम सेल साइड। इसलिए रेंज बाउंड का जो रेंज है, ठीक है, रेक्टेंगल पैटर्न का, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है और टारगेट है। अगर हम क्लोजिंग में सेल करते हैं, ठीक है, अगर हम क्लोजिंग में सेल करते हैं तो हमारा टारगेट ये है दोस्तों 40137, एक बार देख लेते हैं 40145, ठीक है, टारगेट 40145, ओके। अब स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा इस सेलिंग लेवल के ऊपर, हम इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसे हम यहाँ पर सेट करते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए स्टॉप लॉस है 40637 स्टॉप लॉस है, ओके, एसएल बराबर। स्ट्रेटजी के अनुसार हमने यहाँ पर सेलिंग एंट्री लेवल, टारगेट और स्टॉप लॉस फाइंड किया। स्ट्रेटजी के फास्ट वे में अगर हम ट्रेड करें तो फास्ट वे क्या है दोस्तों, इस लोअर लेवल को अगर ब्रेकआउट करते हैं और लोअर लेवल के नीचे क्लोज होता है तब हम सेल करेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इस कैंडल को, एक बार आप देखिए, ये कैंडल इस लोअर लेवल के नीचे क्लोज हुआ है और बियरिश कैंडल। तो फर्स्ट वे में अगर हम ट्रेड करें तो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन अभी तक टारगेट नहीं हुआ, ठीक है, अपना जो टारगेट है इस टारगेट लेवल तक आया नहीं,
और ना ही स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है। तो टारगेट तक हम वेट करेंगे। बाय साइड अगर हम ट्रेड करते हैं तो बाइंग एंट्री लेवल हमने फाइंड किया, आप स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे फाइंड करेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। अगर टारगेट और स्टॉप लॉस अगर हम फाइंड करें तो वो किस तरीके से करेंगे, रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल, अर्थात ये बॉक्स का जो लेवल है ये लेवल रहेगा हमारा क्या, बाय एंट्री लेवल। अगर हम क्लोजिंग में ट्रेड करते हैं तो कैंडल जहाँ पर क्लोज होगा दोस्तों वहाँ पर हम इसको सेट करेंगे और अपर लेवल हमारा टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस सेम नीचे की तरफ, ठीक है, 1:1 रेशियो के हिसाब से भी आप कह सकते हैं। इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। तो बाय साइड अभी तक एग्जिट नहीं हुआ, एक भी कैंडल इस अपर लेवल के ऊपर था तो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हुआ। अगर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज होता तो उस क्लोजिंग कैंडल के ऊपर हम बाई करते तो उस भाव पर हम इसको सेट करते और अपर लेवल हमारा टारगेट होता। तो जैसे कि ब्रेकआउट किया नहीं और कैंडल कितने ऊपर क्लोज होगा वो हमें पता नहीं, इसीलिए हम इसको अप्लाई कर नहीं सकते। जब कैंडल क्लोज होगा तब हम स्टॉप लॉस और टारगेट अप्लाई करेंगे। तो सेलिंग साइड एग्जीक्यूट हो चुका है इसीलिए हमने टारगेट और स्टॉप लॉस अप्लाई किया। तो सेलिंग साइड टारगेट के लिए हम वेट करेंगे या फिर स्टॉप लॉस के लिए वेट करेंगे। तो दोस्तों फाइनली टारगेट हो चुका है 40,138 अभी चल रहा है, टारगेट था 40,145। दोस्तों पैटर्न के अनुसार अगर आप ट्रेड करेंगे तो 100 ट्रेड में से 95 ट्रेड आपका सक्सेस जाएगा, 5 ट्रेड आपका नुकसान में जाएगा, स्टॉप लॉस होगा अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं तो। और उसी हिसाब से हमें ट्रेड करना था और हमें टारगेट मिला। स्टॉप लॉस देखिए इसके आसपास था, जूम करके दिखाता हूँ, देखिए स्टॉप लॉस हुआ नहीं, हाई 40,625 लेकिन अपना स्टॉप लॉस था 40,637, स्टॉप लॉस नहीं हुआ, टारगेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेड करें। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, धन्यवाद।